नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। चिराग पासवान सियासी रूप से भले ही कमजोर हो गए हों, लेकिन जनता के बीच में उन्हें जो प्यार मिल रहा है उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, एक ऐसी ही तस्वीर हमारे सामने आई है जिसमें कि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब जनता के चहेते हो गए हैं। जिस तरह लालू यादव जनता के चहेते हैं, वैसे ही धीरे धीरे अब चिराग पासवान भी सियासत में अपनी एक पहचान छोड़ रहे हैं और जनता के दिलों में बस रहे हैं। हम तस्वीर में आपको दिखा सकते हैं कि एक शादी के कार्ड पे चिराग पासवान और रामबलास पासवान की फोटो छपी हुई है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से चिराग पासवान और रामबलास पासवान की तस्वीर शादी के कार्ड पे है। दरअसल सिवान जिले के असाव थाना इलाके के महमदपुर गांव के रहने वाले अभय पासवान ने अपने बेटे की शादी के लिए कार्ड छपवाया। इसके कवर पर लोजपा के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान का भी फोटो लगाया गया है। सबसे ऊपर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का स्लोगन लगाया गया है, जो कि चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था। उसके ठीक नीचे लिखा गया है कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाच करने के लिए। शादी के कार्ड पर राजनीतिक हस्तियों के समर्थन करने का स्लोगन छपना अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अभय पासवान के बेटे अनुप पासवान की शादी वैशाली के जंदाहा के पानापुर सिलधौलर गांव में बालदेव पासवान की बेटी अमृता राज भारती के साथ 15 जुलाई को होनी तय है। शादी के निमंत्रण पत्र पर निमंत्रण के साथ साथ चिराग पासवान के समर्थन में भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि इस तरीके से चिराग पासवान का क्रेज देखने को मिल रहा है। इसके पहले लालू यादव का क्रेज देखने को मिल रहा था, क्योंकि लालू यादव जब उन्हें जमानत नहीं मिल रही थी तो उनके जमानत को लेकर भी कई लोग अपनी शादी के कार्ड पर उनकी तस्वीर छपवा रहे थे और लिख रहे थे रिलीज लालू यादव, और उसके बाद उनकी जमानत भी मिल गई। और वहीं अब चिराग पासवान को भी लोगों का समर्थन मिलता दिख रहा है। चिराग पासवान को लोग अब समर्थन दे रहे हैं और उनकी तस्वीर को और उनके स्लोगन को अपने कार्ड के ऊपर छपवा रहे हैं, लिख रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। इस तरीके से कह सकते हैं आप कि चिराग पासवान का क्या क्रेज बिहार में हो चुका है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा जब से अलग हुई है, जब से उसमें टूट आई है, तब से चिराग पासवान लोगों के चहेते बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनके ही चाचा पशुपति नाथ पारस उन्हें धोखा दिए हैं और आज वो कैबिनेट में मंत्री बन के बैठे हैं और चिराग पासवान अब जनता के बीच जा रहे हैं। 5 जुलाई से उन्होंने अपनी आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। हाजीपुर से लेकर के उन्होंने बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर में अपना दौरा किया, लोगों से मिले और उनसे बातचीत की। तो इसे लेकर के लोगों में अब जागरूकता हो रही है कि चिराग पासवान को हम अपना एक बड़ा नेता बना सके, और इसे लेकर के कई सियासी बवाल भी हो चुका है। आरजेडी की तरफ से लगातार चिराग पासवान को न्योता दिया जा रहा है कि आप अपने अपना समर्थन हमें दें, यानी कि आप हमारे साथ आ जाएँ, हम विपक्ष की राजनीति करेंगे। लेकिन चिराग पासवान अभी तक इस पर कोई टिप्पणी करते नजर नहीं आए हैं, अभी उन्होंने स्पष्ट रूप से कोई भी बात नहीं रखी है। तो आगे देखना होगा कि चिराग पासवान की क्या रणनीति होती है, वो किस तरह से अपना राजनीति करियर आगे बढ़ाते हैं। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ पीआर। नमस्कार।